इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के जनपद आगरा के कस्बा शमशाबाद में चेयरमैन प्रत्याशी प्रतिनिधि अवनीश कांत गुप्ता पर फावड़े से हमला हुआ है। हमले में गाड़ी का शीशा टूटा, वहीं हमलावर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शोक सभा से लौटते समय ये हमला किया गया है। हमले की सूचना मिलते ही समर्थकों में भारी आक्रोश है। समर्थकों ने थाने का घेराव किया है। मौके पर एसीपी समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। शमशाबाद कस्बे से एपी इंटर कॉलेज के पास का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, यूपी के जनपद आगरा के कस्बा शमशाबाद में चेयरमैन प्रत्याशी प्रतिनिधि अवनीश कांत गुप्ता पर फावड़े से हमला हुआ है। हमले में गाड़ी का शीशा टूटा, वहीं हमलावर मौके से फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शोक सभा से लौटते समय ये हमला किया गया है। हमले की सूचना प्राप्त होते ही समर्थकों में भारी आक्रोश है। समर्थकों ने थाने का घेराव किया है। मौके पर एसीपी समेत भारी पुलिस बल तैनात है। शमशाबाद कस्बे से एपी इंटर कॉलेज के पास का ये मामला बताया जा रहा है। क्योंकि आप चुनाव चल ही रहा है तो हम अपनी कार से सीधा एपी इंटर कॉलेज होते हुए और आगरा रोड पर होते हुए सलोनी मिल के सामने जो सड़क है उससे अपना शहर की ओर आ रहे थे। जैसे ही हम आ रहे थे तो जो एक चौराहा पड़ता है, जो एक रोड भिकी के नगला की ओर एक एपी इंटर कॉलेज की ओर जाती है, जहाँ वो बैंक है, उसके ठीक सामने लगभग मुझे लगता है मिल की लेबर थी और राजू था। राजू तो ठाकुर जो क्या है खड़े राई बड़ी का है, जिसने मुझ पर आज से 4-5 महीने में ही प्राण घातक हमला करने के लिए फावड़ा लेकर के तहसील परिसर फतेहाबाद में आया था। उसने मेरी कार में फावड़ा मारा, मैं मेरी जान बहुत मुश्किल बची है। कार का पूरा शीशा टूट गया, जो आप देख रहे हो टूटा हुआ फावड़ा इसके अंदर है, पूरे कांच वांच इसमें गिरे हुए पड़े हुए, आप सारी चीजें देख सकते हो। मेरे जान की सुरक्षा की जाए, मेरे प्रत्याशी की सुरक्षा की जाए, प्रशासन से मेरा अनुरोध है और ये जो अवांछनीय तत्व है उनको पकड़ के हिरासत में लेकर के इनके खिलाफ संगीन से संगीन धाराओं में कार्रवाई की जाए। लिखित में हमने दे दिया, FIR दे दी है। लगातार आपके समर्थक हैं, उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। बहुत आक्रोश है, ये माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल ये हार के कगार पर है, इसलिए ये मुझ पर प्राणघातक इन्होंने हमला किया है और मैं पहले भी इसके खिलाफ मुकदमा लिखा चुका हूँ। फतेहाबाद थाने में इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। जब भी ये फावड़ा ले गई तहसील परिसर में मुझे मारने आया था, उसका भी वीडियो मैंने पहले भी CO साहब को SO साहब को सबको भेजा था। चोट है, ये बांह में है ना, चोट बांह में है चोट। ACP मौके पर आ गए, क्या कहना है? ACP साहब ने ये कहा है कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे और आप शांति को बनाए रखें, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।